मैंने ये खेती 2009 में 24 जुलाई 2009 को ये शुरू की थी। उससे पहले समाचार पत्रों में पढ़ा कि सरकार जो है इसराइल से ये नई तकनीक ला रही है, ये मरु प्रदेश का पौधा है खजूर के बारे में। मैंने इसके बारे में गुजरात जाकर जानकारी की, बगीचों में गया, बड़े बड़े वैज्ञानिकों से आमना सामना किया। गुजरात में मुंद्रा रिसर्च सेंटर के अंदर जो है वह मुरलीधर जी वह वैज्ञानिक थे, उनकी बुद्धि और मेरी मेहनत के कारण ये 2009 में लगाए बीजू 150 और 2012 में टिशू कल्चर लगाए। उसके 156 2012, 468 2013, 312 2014 और 73 पेड़ 2015 में ये टिशू कल्चर लगाए। इस प्रकार कुल 1160 पेड़, 1010 टिशू कल्चर और 150 बीजू पेड़ लगे हुए हैं। 2012 के अंदर टिशू कल्चर खुनेजी खलास और बरी ये पौधे लगाए मैंने, और 2013 में यही पौधे लगाए, और 2015 में इसकी फसल शुरू होगी। तो बरी किस्म जो है फ्रूट में बिकती है, फरी और खुनेजी किस्म, ये 100 रुपया प्रति किलो बाज़ार में परचून में बिकती है, जबकि खेतों में से 50 रुपये व्यापारी यहाँ से ले जा रहे हैं। और खलास किस्म है वो भी इसमें फ्रूट में बिकती है, और मैरजूल का और बीजू का पिंड खजूर बनता है जो 200 रुपये के जी बिकता है और पूरे साल चलता है। और उसके लिए प्राकृतिक डायर मैंने यहाँ लगा रखा है पिंड खजूर के लिए, जो यहाँ बिना ही सौर ऊर्जा के यहाँ पिंड खजूर बन जाते हैं, वो बाज़ार में पूरे साल हम 200 रुपये प्रति किलो बेचते हैं। और ये जो फ्रूट में बिकते हैं ये 100 रुपये प्रति किलो हमारी मंडियों में जा रहा है माल। मेरे ये 7 एकड़ में खजूर का बगीचा लगा हुआ है, कुल 1160 पेड़ है, 7 एकड़ के अंदर यानी 28 बीघा है। इसमें परंपरागत खेती होती है तो रोजी रोटी भी पूरी किसान को नहीं मिलती है, गरीबी में जीना पड़ता है, जबकि इस ये 100 साल तक ये अच्छी आमदनी देती है और खुशहाल ज़िंदगी हम जी रहे हैं पिछले 3-4 साल से। और इसमें कीड़े मकोड़े कुछ नहीं होते हैं, ड्रिप से इसमें पानी लगता है, खुला पानी नहीं लगता है, कैल्शियम युक्त भूमि में ये नहीं होता है, पोटाश इसकी मुख्य खुराक है, और ये ड्रिप से पानी लगता है जो अपने आप ही ये तकनीक से लगता है, कोई इसमें मेहनत नहीं होती है न इसमें। खजूर ये मरु प्रदेश का फल है, गर्म जलवायु और छोटी सर्दी ऋतु चाहिए, इसके लिए पानी 5,500 TDS तक सूट करता है, 55 डिग्री तापमान ऊपर सहन करने की क्षमता होती है, -5 तक इसको कोई नुकसान नहीं होता है, और इसमें रोग जो है ना के बराबर होते हैं। इसकी आयु 80 से 100 साल होती है और हाइट भी 80 से 100 फुट होती है। 4 पीढ़ी तक इसको कोई लगाना नहीं पड़ता है और खर्चा बार बार किसान को नहीं उठाना पड़ता है, और जब वर्षा नहीं होती है तो इसकी फसल और भी अच्छी होती है, ज़्यादा होती है। और इसमें आगे जुलाई में वर्षा होने पर इसमें मामूली नुकसान होता है, लेकिन इस इलाके में वर्षा नहीं होती है और ये इस इलाके के लिए बड़ा ही मुफीद फल है। ये संसार में जहाँ जहाँ पानी उपलब्ध है, मरुभूमि है और खुश्क इलाका है, वहाँ ये बहुत हो रहा है। अपने पश्चिम में पाकिस्तान, ईरान, इराक, सऊदी अरब, यमन, ओमान, इसराइल और सीरिया, ये मध्य एशिया के देश हैं, और अफ्रीका के अंदर जो है ये नील नदी के बेसिन के अंदर सूडान, मिस्र, लीबिया, और उत्तर में मोरक्को, ट्यूनिशिया, इन देशों में खूब हो रहा है। यूरोप में स्पेन का दक्षिणी भूभाग, संयुक्त राज्य अमेरिका का कैलिफोर्निया स्टेट और संयुक्त और दक्षिणी अमेरिका का अटकामा मरुस्थल तथा ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया मरुस्थल और अफ्रीका का काला रिम मरुस्थल में ये बहुतायत में होता है। भारत जो है 3 लाख टन खजूर आयात करता है और ये जो है सबसे बड़ा बाजार है।